असलम स्टूडेंट्स आई एम योर इंग्लिश टीचर आई होप यू ऑल आर फाइन सो वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ लाइन्स और उनमें स्लांटिंग लाइन्स वी हैव रीच स्लग लाइन्स अभी तक हमने कौन कौन सी लाइन्स पढ़ी है वी हैव स्टडीड स्टैंडिंग लाइन्स स्लीपिंग लाइन्स एंड दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ लाइन तीसरा टाइप लाइन्स का ठीक है इट इज कॉल्ड स्लान्ट लाइन्स इसको हम स्लांटिंग लाइन्स बोलते हैं स्लान्ट किस लिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ी टिल्टेड होती है या टेढ़ी होती हैं ठीक है ये स्ट्रेट लाइन्स नहीं होती हैं स्ट्रेट इन देंस कि ऊपर से नीचे या साइड टू साइड डायरेक्टली नहीं जाती है ये थोड़ा टिल्ट में रहती हैं ठीक है दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्लान्ट लाइन्स और मैं अभी आपको समझाऊंगी कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं हाउ डू वी ड्रॉ दीज लाइन्स ओके वट डू वी डू हम एक पॉइंट के ऊपर अपना पेंसिल रखेंगे एंड वी विल ड्रैग इट डाउन हम इस लाइन को नीचे की तरफ थोड़ा खींचेंगे इट गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये राइट टू लेफ्ट टिल्ट होके जाती है ठीक है ये थोड़ा राइट right. राइट right के बाद इसको क्या होता है थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और लेफ्ट की तरफ जाती है ठीक है

ज्वाइन करोगे ठीक है इट इज जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू ये सिर्फ आपकी आ, आपको ईजी हो जाए इसलिए मैं कर रही हूं ठीक है क्या करोगे यहाँ पे डॉट डाल के थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ डॉट डालोगे और उसके बाद क्या करोगे इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन करोगे अनादर थोड़ा सा इसके पहले नीचे आप देखोगे फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करोगे यहाँ पे आप डॉट लगाओगे एंड आफ्टर दैट यू विल ज्वाइन बोथ ऑफ दीज डॉट्स आप इन दोनों डॉट्स को आपस में क्या करोगे ज्वाइन करोगे और हमारी स्लांटिंग लाइन तैयार हो गई ठीक है इन द सेम वे यू हैव टू डू योर पेज नंबर नाइन एज वेल इट इज द सेम थिंग ठीक है ये भी सेम है डू यू हैव टू डू पुट योर पेंसिल हेयर और इसको साइडवेज खींचो यहाँ पे एक डॉट बनाओ और इन दो डॉट्स को आपस में ज्वाइन करो मेक अ डॉट एंड ज्वाइन दम ये वाली लाइन कहां जा रही है दिस गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड ठीक है इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट आप लोगों को आ जाएगा ठीक है इट इज वेरी इजी सो यूल हैव टू डू दिस पेज एंड दिस पेज इन द सेम वे आपको क्या करना है अगेन डॉट पे पेंसिल रख के इसको राइट साइड की तरफ खींचना है यहां पर क्या करोगे यूल मेक अ डॉट हेयर और इन दोनों डॉट्स को आपस में क्या करोगे ज्वाइन करोगे ठीक है दैट इज ऑल इतना ही आपको इसमें करना है दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ लाइन दैट इज लाइन और इसके बाद हमारे इंग्लिश कोर्स बुक में क्या है इंग्लिश कोर्स बुक राइट इसमें आप पेज नंबर फोर पे जाओगे दिस इज योर पेज नंबर फोर राइट सो वट डू यू हैव टू डू हेयर आपको इस वाले पेज पे यू हैव टू स्टिक एप्पल स्टिकर्स stick apples on the apple tree from the sticker sheet. आपकी बुक में पीछे एक sticker sheet दिया होगा ठीक है When you turn to the back of your book, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है एक sticker sheet दिया गया है This is the sticker sheet. Okay? What do you have to do? अपने parents की मदद से आप ये stickers यहाँ से हटाएंगे ठीक You will remove the stickers जैसे मैंने यहाँ पे किया है Remove the stickers और वो कहाँ पे लगाए हैं सामने यहां ट्री पे ठीक है मेक श्योर sure कि आप इनकी स्टिक्स जो है ये राइट right ऑर्डर में लगाएं क्योंकि कुछ की स्टिक्स लेफ्ट साइड के हैं कुछ की स्टिक्स राइट साइड के हैं ठीक है ये वाली लेफ्ट साइड है ये वाली राइट right साइड है ऊपर वाली स्टिक्स ये ठीक है तो आप क्या करोगे आप इसको ध्यान से निकाल के फिर लगाओगे ओके जस्ट डू दिस आफ्टर दैट कलर द एपल्स विद कैपिटल ए रेड एंड स्मॉल ए ग्रीन हमें यहाँ पे कुछ एप्पल दिए गए हैं वी हैव फाइव एपल राइट सो सम ऑफ दम हैव दैपिटल ए लेटर एंड सम हैव स्मॉल सो वट डू हैव टू डू हमें जिसपे कैपिटल ए है उसमें रेड कलर करना है फॉर एग्जाम्पल दिस वन आप इसमें रेड कलर करोगे इसमें भी आप रेड कलर करोगे एंड हेअर ऑल्सो यूल डू रेड कलर ऑन दिस ठीक है र स्मॉल ए लेटर्स ये जो अल्फाबेट्स है ये स्मॉल ए के हैं सो यूल कलर द्रीन आप इसको भी ग्रीन कलर करोगे ठीक है रेड एंड ग्रीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए ठीक है देन वी हैव अनादर एक्सरसाइज ट्राई दिस आउट आपको क्या करना है मेक एन एंग्री फेस यूजिंग योर थम प्रिंट आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं दे विल हैव अ स्ट पैड आप उसपे क्या करोगे अपना थम प्रिंट निकालोगे एंड यू विल जस्ट अप्लाइड हेयर ठीक है यहाँ पे अपना थम प्रिंट लगाओगे एंड यू विल मेक एन एंग्री फेस ठीक आप उसकी आइज बनाओगे यू विल मेक आइज फॉर इट एंड माउथ फॉर इट दैट शोज दैट दिस इज दम प्रिंट इज एंग्री ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर टू डेज लेक्चर आई कंटिन्यू टूमारो ठीक है टेक केयर अल्लाह हाफिज